आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आंसर टाइटल है व्हाई इंडिया इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का रिलेशन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं चैनल को लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच। 508 किलोमीटर लंबी होगी जिसमें ऐसी बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ेगी। सिर्फ 2.5 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा जिसमें अभी 6-7 घंटे लग जाते हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में और 2027 तक खुलने की उम्मीद है। 12 स्टेशन होंगे टोटल जिसमें वडोदरा, भरूच और सूरत भी शामिल है। इसकी सक्सेस के बाद फ्यूचर में दिल्ली तक भी एक्सटेंड करने के प्लान है 2031 तक। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डायरेक्टली जापान प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, जिसने ओरिजिनल बुलेट ट्रेन डेवलप की थी 1960s में शिनकानसेन नाम से। ये प्रोजेक्ट तो शानदार लग रहा है सुनने में, मगर कुछ सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया को इसकी अभी इतनी जरूरत है? क्या एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता था इसके बनाने से पहले? इन सब के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली ट्रेन चली थी। ये लेट 1850s की बात है जब बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी ने इस स्ट्रेच पे काम शुरू किया। कुछ साल में इसके पहले कुछ स्ट्रेचेस खुल भी गए, लेकिन अहमदाबाद से पहली ट्रेन चली 20 जनवरी 1863 को उसके कालूपुर रेलवे स्टेशन से सूरत तक। उसके अगले साल बॉम्बे तक भी ट्रेन पहुंच गई ग्रैंड रोड स्टेशन तक। तब यही टर्मिनस होता था, चर्च गेट नहीं बना था तब तक। CSMT स्टेशन तब ऑपरेशन में तो था बोरीबंदर नाम से, लेकिन क्योंकि उसे दूसरी रेलवे कंपनी ने बनाया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, इसीलिए ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्ट नहीं करती थी। 1870 में BBCI ने डायरेक्ट ट्रेन चलानी शुरू की अहमदाबाद से बॉम्बे तक। बनाते वक्त इस रूट में कई चैलेंजेस आए थे क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टेरेन्स जैसे वेस्टर्न घाट और कई रिवर्स को क्रॉस करता है। भरूच ब्रिज ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रूट में, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया 1864 में। तब अहमदाबाद और बॉम्बे एक ही स्टेट का पार्ट थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम से, तो उनके बीच में काफी ज्यादा ट्रेवल होता था। रेलवे लाइन बनने से पहले बुलक कार्ट्स, बोट्स और हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस का इस्तेमाल होता था। रेलवे आने के बाद ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन काफी बड़ा इन दोनों के बीच। इसका फायदा उठाते हुए कई मिल्स भी बनाई गई स्टेट में। ट्रेडर्स और बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में और स्पीड से भेजना शुरू किया। कुछ सालों में बॉम्बे रीजन में लेबरर्स और प्रोफेशनल्स का माइग्रेशन देखने को मिला। बॉम्बे में काफी तेजी से अर्बनाइजेशन देखने को मिली जिसका काफी श्रेय रेलवे को ही जाता है। इसके अलावा बॉम्बे पोर्ट्स कुछ पोर्ट्स में से थे देश में जहां से इंटरनेशनल ट्रैवल किया जा सकता था, इसीलिए कई लोग इनर रीजन से आते थे बॉम्बे इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद इस रूट में कई मॉडर्नाइजेशंस और अपग्रेड्स देखने को मिले जिससे इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों बढ़ गई। जैसे 1987 में पूरे रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। इसके अलावा रूट में डबल ट्रैकिंग, स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म्स और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया। अहमदाबाद मुंबई शताब्दी स्टार्ट हुई 1994 में जिससे ट्रैवल टाइम और कम हुआ। आज ये रूट देश का बिजिएस्ट रूट है दिल्ली मुंबई का पार्ट होने की वजह से। दिल्ली और मुंबई के बीच सबसे ज्यादा पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट देखने को मिलती है जिसे दोनों रोड रूट और रेल रूट अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये बुलेट ट्रेन। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाई है मैंने, इन्हें चेक करने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान पहली बार 2009-10 में रखा गया था जिसमें मुंबई अहमदाबाद के अलावा 5 दूसरे कॉरिडोर्स के ऊपर भी फिजिबिलिटी स्टडी की गई। तब एक 650 किलोमीटर लंबा रूट प्रपोज किया गया था अहमदाबाद से पुणे तक मुंबई से होते हुए। इसमें फ्रांस की नेशनल रेलवेज SNCF भी पार्टिसिपेट कर रही थी जो फ्रांस की हाई स्पीड रेल TGV ऑपरेट करती है। इसमें टेक्निकल कोऑपरेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे, मगर 2013 में रेलवे बोर्ड ने मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप करने का सोचा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, क्योंकि मुंबई से पुणे का सेक्शन काफी एक्सपेंसिव पड़ता बीच में घाट्स होने की वजह से। इसीलिए फिर सितंबर 2013 में इंडिया और जापान ने सिर्फ मुंबई अहमदाबाद रूट को स्टडी करना शुरू किया क्योंकि जापान अपनी शिनकानसेन टेक्नोलॉजी बेचना चाह रहा था इंडिया को। इस स्टडी में ट्रैफिक फोरकास्टिंग, अलाइनमेंट सर्वेज, लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और टनल्स, ब्रिजेस और हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी बनाने के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA और SNCF साथ में मिलकर काम कर रहे थे इसमें। इस स्टडी में फिर 12 स्टेशन प्रपोज किए गए मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद थाने और विरार में। इस रूट को थाने से इसलिए ले जाया गया ताकि फ्यूचर में इसे पुणे तक भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन खुला रहे। 2016 में इसे अप्रूवल भी मिल गया। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई इंडियन रेलवे के अंडर। महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट्स भी हिस्सा है इस ज्वाइंट वेंचर का। सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए देगी NHSRCL को और गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट देंगी 5,000 करोड़ रुपए ईच। रूट जो फाइनलाइज किया गया है वो ये है। टोटल 12 स्टेशन, कुछ ग्रीनफील्ड है और कुछ एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन के साथ में ही बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स भी ऐड किए जाएंगे। अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू होगा, फिर अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन के ईस्टर्न साइड पे प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 की जगह बुलेट ट्रेन को दी जाएगी। आगे आनंद नदियाद के बीच में बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड स्टेशन। वडोदरा में एग्जिस्टिंग स्टेशन से होते हुए जाएगा, प्लेटफॉर्म 6 और 7 का एरिया बुलेट ट्रेन को दिया जाएगा। भरूच के वेस्टर्न साइड पर बनेगा ग्रीनफील्ड स्टेशन और यहाँ एक ब्रिज की मदद से नर्मदा नदी को क्रॉस करेगा। साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और WDFC के ब्रिजेस भी बन रहे हैं। सूरत में ग्रीनफील्ड स्टेशन होगा ईस्टर्न साइड पर, आगे बिलीमोरा और वापी से होते हुए महाराष्ट्र में एंटर हो जाएगा। यहाँ बोईसर, विरार और थाने से होते हुए मुंबई में खत्म होगा। टर्मिनस BKC में बनाया जाएगा एक 3 स्टोरी अंडरग्राउंड स्टेशन। टोटल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें ज्यादातर रूट एलिवेटेड होगा, वायरडक्ट्स पर बनेगा। पूरे रूट की 90% लेंथ, 25 किलोमीटर की टनल्स होंगी और 28 स्टील ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। रूट को मोस्टली वायरडक्ट्स पर क्यों बनाया जा रहा है, एम्बैंकमेंट्स क्यों नहीं बनाई गई, इसका एक रीजन है कि लैंड कम एक्वायर करना पड़े, जिसमें सबसे ज्यादा डिलेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अर्थवर्क भी कम करना पड़ेगा और जो पूरे रूट में फेंसेस लगाने थे वो भी बच जाएंगे। लेकिन फिर भी 10,000 करोड़ रुपए से कॉस्ट बढ़ गई रूट को एलिवेटेड रखने की वजह से। एक 21 किलोमीटर लंबी टनल मुंबई को थाने से जोड़ेगी, जिसमें से 7 किलोमीटर अंडर सी होगी। ये टनल BKC में शुरू होगी और थाने में आके रूट एलिवेटेड हो जाएगा। BKC में टर्मिनल बनाने के लिए 5.4 हेक्टेयर का लैंड दिया गया और यहीं पर मुंबई मेट्रो की लाइन 2 और 3 से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसे पूरे रूट की कॉस्ट पहले से ऑलमोस्ट डबल होकर अब हो गई 1,80,000 करोड़ रूपए। बीच में कोविड डिलेज और लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। JICA ने इसकी ज्यादातर फंडिंग लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करने का वादा किया है। अभी तक वो ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुके हैं और 50,000 करोड़ रुपए और देंगे रूट के खत्म होने तक। ये लोन इंडिया को 50 साल के लिए दिया गया है, सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट। बाकी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। 20% कॉम्पोनेंट्स को जापान से सप्लाई किया जाएगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 24 रेड E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट्स को खरीद कर इसमें ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें से 6 ट्रेन को इंडिया में असेंबल किया जाएगा। इंडिया के हॉट और हार्श क्लाइमेट की वजह से इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया जाएगा। टोटल 1,434 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है और कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट हुई। अभी तक 91 किलोमीटर पे वायरडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 233 किलोमीटर में पियर्स बनकर तैयार हैं और 263 किलोमीटर में फाउंडेशन बनकर तैयार है। रूट का 50 किलोमीटर का स्ट्रेच सबसे पहले खुल जाएगा अगस्त 2026 में सूरत से बिलीमोरा तक। पूरा रूट 2027 में खुलने की उम्मीद है। ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड होगी 260 किलोमीटर पर आवर। इंडियन रेलवेज ने 2 टाइप्स की सर्विसेज प्रपोज की हैं इसके लिए। एक एक्सप्रेस सर्विस, जिसमें ट्रेन बीच में सिर्फ 2 स्टॉप्स पर रुकेगी, सूरत और वडोदरा। दूसरी स्लोअर सर्विस, जिसमें ये सारे स्टॉप्स पर रुकेगी लेकिन मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट ही रुकेगी एक स्टेशन पर। एक्सप्रेस ट्रेन पूरी जर्नी 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर पाएगी और स्लोअर ट्रेन 2 घंटे 58 मिनट में। अभी मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन जर्नी में 6-7 घंटे लग जाते हैं। टोटल 70 सर्विसेज हर रोज ऑपरेट करेंगी लाइन पर, 35 एक डायरेक्शन में। पीक आवर्स में 3 ट्रेन होंगी हर घंटे और बाकी टाइम 2 ट्रेन। सुबह 6 से रात को 12 बजे तक चलेंगी ट्रेन और एंड टू एंड टिकट प्राइस होगा 3,000 रुपए। रेलवेज ने एस्टिमेट किया है कि 36,000 लोग हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे जब ये खुलेगी और हर साल बढ़ती जाएगी ये फिगर। एक ट्रेन जो है वो 10 कोचेज की होगी स्टार्टिंग में और टोटल 700 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगी। बुलेट ट्रेन के तो कई फायदे होंगे, लेकिन इसकी एक खास बात है कि 1,000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए ये बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फ्लाइट्स, कार्स, नॉर्मल ट्रेन्स और बसेस इन सब से कई गुना बेटर है। बसेस ट्रेन से तेज और पर्सनल व्हीकल्स फ्लाइट से तेज और सस्ता। एयर ट्रेवल से तेज इसलिए क्योंकि उसमें चेक इन, सिक्योरिटी और एयरपोर्ट से आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। एयरपोर्ट्स यूजुअली दूर होते हैं सिटी से और स्टेशन सेंटर में, इसलिए एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम बहुत जरूरी है ऐड करना इसमें। अहमदाबाद से मुंबई का एवरेज फ्लाइट टाइम देखें तो 1 घंटा 20 मिनट है। उसमें अगर हम 1.5 घंटा सिक्योरिटी और आधा 1 घंटा एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम ऐड करें तो टोटल ट्रैवल टाइम हो जाएगा 3.5-4 घंटे और वो सेम डिस्टेंस बुलेट ट्रेन सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा कर देगी। इसीलिए प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साबित होगा लाखों लोगों के लिए। एक स्टडी ने यूरोप की हाई स्पीड रेल के इफेक्ट्स को देखा तो उन्होंने पाया कि उसकी लगभग 30% डिमांड एयर ट्रैवल से शिफ्ट होकर आई है, 15% रोड ट्रैवल से, 30% कन्वेंशनल रेल लाइन से और बाकी 25% इंड्यूस ट्रैफिक से, यानी वो लोग जो बिना हाई स्पीड रेल के ट्रैवल ही नहीं करते। ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखने की उम्मीद है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के बनने से छोटी सिटीज जिनके पास अपने एयरपोर्ट्स नहीं हैं जैसे आनंद और वापी, उनके पैसेंजर्स के लिए बुलेट ट्रेन एक गेम चेंजर साबित होगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की वेस्टर्न सबर्बन रेल में राइडरशिप सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी और प्रपोज्ड मेट्रो लाइंस में बढ़ जाएगी। पैसेंजर्स सबर्बन रेलवे से बुलेट ट्रेन में शिफ्ट हो जाएंगे स्पीड की वजह से, और पी कार्स में रिलीफ देखने को मिलेगा बाकी लोकल ट्रेन में। इसके अलावा बुलेट ट्रेन ज्यादा इको फ्रेंडली होती है कार्स और फ्लाइट्स के कंपेरिजन में, क्योंकि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। खुलने के बाद रोड्स पर कंजेशन कम होगा और एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से। टूरिज्म और बिजनेस भी बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मगर बुलेट ट्रेन बनने से उसमें भी मदद मिलेगी जब अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट करती लाइंस में से थोड़ा प्रेशर कम होगा और उसमें अपग्रेड्स किए जा सकेंगे आसानी से। इस रूट के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने 6 और कॉरिडोर प्लान किए हैं जैसे दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर और दिल्ली अमृतसर। बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस भी आए हैं जैसे लैंड एक्विजिशन, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो उसके रूट में कम से कम टर्न्स और जेंटल ग्रेड्स रखना काफी जरूरी है। उसके लिए रूट्स को कुछ ऐसे एरिया से गुजरना पड़ सकता है जहां बिल्डिंग्स हो या फिर लैंड इतनी आसानी से अवेलेबल ना हो। इस इशू को सॉल्व करने के लिए ही पूरे रूट को एलिवेटेड रखा गया है। एम्बैंकमेंट्स बनाते तो 3 गुना ज्यादा एरिया एक्वायर करना पड़ता। जब दूसरे हाईवेज और रेलवे लाइंस बनाई जा रही होती है तो फिर उन एरियाज को अवॉइड करने के लिए टर्न्स या स्टीप ग्रेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हाई स्पीड रेल में करना इतना आसान नहीं है। भुरुज के पास की ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें आप आसानी से देख सकते हो। ये बुलेट ट्रेन की लाइन है और ये WDFC की। इन दोनों में 2 ट्रैक्स ही हैं, लेकिन WDFC में इतना ज्यादा एरिया इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि उसमें एम्बैंकमेंट्स यूज हुई हैं। अगर अलाइनमेंट अर्बन एरियाज के पास से गुजरती है तो उसमें भी कॉस्ट बढ़ जाती है लैंड की। तो अथॉरिटी को ये भी डिसाइड करना था कि किस सिटी में स्टेशन सेंटर में होंगे और किस में बाहर। जैसे भरूच और बाकी छोटी सिटीज की पेरिफेरी में स्टेशन बनाना बेटर ऑप्शन था, क्योंकि एक्सप्रेस सर्विस उन स्टेशन में नहीं रुकनी थी, मगर उन्हें फिर भी स्लो डाउन करना पड़ता सिग्निफिकेंटली रूट में टर्न्स की वजह से। इस ग्रीनफील्ड स्टेशन से रूट बिल्कुल स्ट्रेट रह सकता है, जिससे एक्सप्रेस सर्विस स्पीड से बाईपास कर सकती है उसको। बस सूरत का स्टेशन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन में जो कर्व है उसके लिए बुलेट ट्रेन को काफी स्लो होना पड़ता। फीडर बसेस, मेट्रोज या ट्रैम्स बनानी पड़ेंगी इन स्टेशन तक ताकि पैसेंजर्स आसानी से पहुंच सके, क्योंकि अगर उन्हें हर बार एक्सपेंसिव टैक्सीज या फिर इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़े तो वो नॉर्मल ट्रेन से ही जाना पसंद करेंगे। हमने बुलेट ट्रेन की इतनी बात की है तो ये भी जानना जरूरी है कि वो काम कैसे करती हैं। ये मैगलेव ट्रेन्स नहीं है। कई लोगों को मैगलेव और बुलेट ट्रेन्स में कंफ्यूजन हो जाती है। मैगलेव ट्रेन्स या मैग्नेटिक लेविटेशन उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें ट्रैक्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन को फ्लोट करके हाई स्पीड में प्रोपेल करने के लिए। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन्स नॉर्मल ट्रेन्स की तरह ही व्हील्स पर चलती है। इसके ट्रैक्स ज्यादा डिफरेंट नहीं होते कन्वेंशनल ट्रैक्स से। ये नॉर्मल ट्रैक्स पर भी चल सकती है मगर कम स्पीड से। इसके लिए कंटिन्यूस वेल्डेड ट्रैक्स और बिना गैप्स की क्रॉसिंग्स यूज होती है। जहां इंडिया में नॉर्मल ट्रैक्स ब्रॉड गेज यूज होते हैं 5 फीट 6 इंच विड्थ के, वहीं बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स स्टैंडर्ड गेज में बनाए जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे कॉमन है 4 फीट 8.5 इंचेस विड्थ के। ट्रैक्स थोड़े स्ट्रॉन्गर मटेरियल से बनाए जाते हैं, बेटर स्टैंडर्ड, स्मूथ कर्व्स और लेवल सरफेस ताकि ज्यादा झटके ना लगे। डेडिकेटेड ट्रैक्स होते हैं मोस्टली जिनमें एडवांस सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद होते हैं ताकि ट्रेन सेफ डिस्टेंस रखें। ट्रेन में यूजुअली इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल होती हैं ज्यादातर व्हील एक्सल्स पर, जिससे लोड और पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ब्रेक करने में भी आसानी होती है जब सारे व्हील्स एक साथ रुक जाएं। इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए ओवरहेड वायर से पावर ली जाती है। इस बुलेट ट्रेन में 25 किलोवोल्ट एसी करंट इस्तेमाल होगा। स्मूथ सस्पेंशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ पूरी ट्रेन में एरोडायनेमिक डिजाइन इस्तेमाल होता है और सरफेस एयर सील्ड होता है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम से कम रहे, स्पेशली टनल्स में एंट्री एग्जिट करते हुए। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करें तो ये इंडिया का बिजिएस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट है। इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन भी कहा जाता है इसे। गुड्स, कमोडिटीज और रॉ मटेरियल्स के अलावा सिग्निफिकेंट पैसेंजर ट्रैफिक भी देखने को मिलता है इस रूट पे, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो या बिजनेस रीजंस की वजह से। 1380 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इसका पार्ट है। इसका एम है इंडस्ट्रियल जोन्स बनाना, लॉजिस्टिक हब्स और कुछ स्मार्ट सिटीज के साथ। मेजर पोर्ट्स जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को इन इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करना ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और सस्ता हो जाए। WDFC की टोटल लेंथ 1504 किलोमीटर है जो दिल्ली NCR के दादरी से शुरू होकर मुंबई के JNPT तक जाएगा, बीच में सारी मेजर सिटी से कनेक्ट करते हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर का होगा DND दिल्ली से JNPT तक। इनके बनने से कंटेनर्स का ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। 50 घंटे जो अभी ट्रेन से लगते हैं वो 17 घंटे हो जाएंगे और रोड से 24 घंटे कम होकर हो जाएंगे 14 घंटे। इसी का एक पार्ट बुलेट ट्रेन भी बनेगा जब मुंबई अहमदाबाद का रूट दिल्ली तक एक्सटेंड किया जाएगा फ्यूचर में। दिल्ली से अहमदाबाद 886 किलोमीटर लंबा रूट होगा जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से शुरू होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी इसकी फाइनल अलाइनमेंट नहीं आई। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बीच में गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, नीमराणा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भिलवाड़ा, उदयपुर और हिम्मत नगर से होते हुए अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर खत्म होगा जहां पर मुंबई अहमदाबाद लाइन से मिलेगा। 12 स्टेशन बनेंगे इसमें। खुलने के बाद ये दोनों एक यूनिफाइड लाइन की तरह काम करेंगी दिल्ली से मुंबई तक। इससे टोटल ट्रैवल टाइम 16 घंटे से कम होकर सिर्फ 6 घंटे हो जाएगा। बनने के बाद ये एयर ट्रैवल से भी कम्पीट कर पाएगा अगर टिकट प्राइसेस ज्यादा नहीं होंगे तो, क्योंकि ट्रैवल टाइम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दिल्ली और मुंबई के बीच एयर ट्रैवल में 4.5 घंटे आसानी से लग जाते हैं चेक इन, सिक्योरिटी और टैक्सी मिलाकर। बुलेट ट्रेन के बनने से कई लोग उसे प्रेफर करना शुरू कर देंगे। इससे एक और फायदा होगा, जो फ्लाइट्स हैं उनकी काफी कैपेसिटी रिलीज हो जाएगी क्योंकि दिल्ली मुंबई एयर रूट वन ऑफ द बिजिएस्ट एयर रूट्स है वर्ल्ड में। इससे फिर एयरलाइंस उन लॉन्ग डिस्टेंस डेस्टिनेशंस पर ध्यान दे पाएंगी जो अभी अंडरसर्व्ड हैं। दिल्ली अहमदाबाद का अलाइनमेंट ज्यादातर एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस और हाईवेज के साथ साथ चलेगा ताकि लैंड एक्विजिशन कम से कम करनी पड़े। रेलवे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 3 से 4 साल लगेंगे लैंड एक्विजिशंस और क्लियरेंसेस मिलने में और उसके बाद 3 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन में, जिससे इसकी ओपनिंग डेट 2031 या उसके बाद की होगी। बुलेट ट्रेन की बात जापान शिंकानसेन के बिना अधूरी है। शिंकानसेन दुनिया का पहला हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है जो 1964 में स्टार्ट हुआ था। पहली लाइन 2 बड़े इकोनॉमिक हब्स टोक्यो को ओसाका से कनेक्ट करती थी। इससे दोनों सिटीज के बीच टोटल ट्रैवल टाइम 7 घंटे से कम होकर हो गया 4 घंटे, क्योंकि तब ट्रेन मैक्सिमम 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती थी। इससे पहले जो कन्वेंशनल रेल लाइन थी वो पैसिफिक कोस्ट के साथ साथ चलती थी सारे अर्बन एरियाज को कनेक्ट करते हुए, लेकिन वो अर्ली 1950s में काफी कंजेस्टेड होना शुरू हो गई थी। उसी दौरान कुछ प्राइवेट रेलवे कंपनीज ने थोड़ी तेज ट्रेन चलानी शुरू की 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसमें लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए जापान नेशनल रेलवेज ने फिर उससे भी तेज ट्रेन बनाने का डिसाइड किया। इसकी कंस्ट्रक्शन 1959 में स्टार्ट हुई और पहला स्ट्रेच 1964 में खुल भी गया था। शिंकानसेन एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थी जिसमें कटिंग एज इंजीनियरिंग इस्तेमाल की बनाने में। जापान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमें हाई स्पीड रेलवे की क्यों जरूरत है जब पूरी दुनिया उन पर डाउट कर रही थी। इसका इनिशियल बजट 14,000 करोड़ रुपए था उस टाइम की करेंसी के हिसाब से, लेकिन बनते बनते इसकी कॉस्ट डबल हो चुकी थी। कॉस्ट बजट से ज्यादा जरूर निकली, लेकिन लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि सिर्फ 10 साल के अंदर उसने इतनी इनकम जनरेट कर ली कि उसकी सारी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हो गई। अभी तक शिंकानसेन 1000 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर चुकी है बिना किसी कोलिशन और फैटेलिटीज के। एक भी मौत नहीं हुई, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी भी ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट ट्रेन में से एक है। इसके अलावा ये ट्रेन इतनी पंक्चुअल है कि इनका एवरेज डिले सिर्फ 36 सेकंड्स है। इतना विश्वास है उन्हें अपनी एफिशिएंसी पर कि सारी ट्रांसफर्स स्प्लिट सेकंड पर टाइम की गई हैं। यानी एक ट्रेन थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो उसके सारे कनेक्शंस लेट हो जाएंगे। टोकाइडो शिंकानसेन का एम था कि लोगों को कैपिटल में लाना, जो कि उसने बहुत बखूबी निभाया। इससे कई आइसोलेटेड और अंडरसर्व रीजन भी ट्रांसपोर्ट से सर्व होने लगे। कई छोटी सिटीज जो रूट में आती थी उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी और कई तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बन गई। छोटे डिस्टेंसेस के लिए शिंकानसेन ने एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया एयर ट्रैवल का। इसके खुलने के बाद जापान की रोड्स और एयरपोर्ट्स में बर्डन कम हुआ। अभी उनका एवरेज टिकट प्राइस 10,000 रुपए है। शिंकानसेन की सक्सेस के बाद जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे कि इंडिया, और उससे उनकी रेल इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली। अभी उनका हाई स्पीड रेल नेटवर्क 2,700 किलोमीटर लंबा है जो वेस्ट में क्यूशू आइलैंड से नॉर्थ में होकाइडो तक फैला हुआ है। जापान अभी इससे भी इतना खुश नहीं है, वो इससे भी तेज ट्रेन बनाना चाहते हैं मैगलेव ट्रेन। इसकी पहली लाइन की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है टोक्यो से नागोया के बीच जो 2027 तक खुल जाएगी। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन से चलेंगी जो कि फास्टेस्ट ट्रेन हो जाएंगी वर्ल्ड में खुलने के बाद 505 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ। टोक्यो से नागोया की 286 किलोमीटर लंबाई सिर्फ 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी और आगे ओसाका तक एक्सटेंड करने में सिर्फ 67 मिनट्स लगेंगे, जिसमें अभी 2 घंटे लगते हैं बुलेट ट्रेन से। इस रूट की टोटल कॉस्ट होगी $47 बिलियन यानी 3,90,000 करोड़ रुपए। 90% रूट टनल्स में बनाया जाएगा। यूरोप की पहली हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो है फ्रांस की टीजीवी। इसकी पहली लाइन 1981 में बनी थी एलजीवी पेरिस साउथ ईस्ट, पेरिस से लियोन के बीच। जब टीजीवी लॉन्च हुई तो वो दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई 270 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ। तब जापान की बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर थी। तब से अब तक शिंकानसेन और टीजीवी दोनों की स्पीड्स बढ़कर हो गई हैं 320 किलोमीटर पर आवर। जब पेरिस से डिजॉन के बीच कन्वेंशनल रेलवे लाइन में कंजेशन काफी बढ़ गई थी बॉटलनेक्स की वजह से, तो फ्रेंच नेशनल रेलवे ने डिसाइड किया कि वो ब्रांड न्यू हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाएंगे। इसका काम 1976 में स्टार्ट हुआ और 1983 तक पूरा स्ट्रेच खुल गया लियोन तक। पहली लाइन की सक्सेस के बाद पूरा नेटवर्क एक्सपैंड किया गया फ्रांस में। नई लाइंस बनाई गई पेरिस को दूसरी मेजर सिटी से जोड़ने के लिए, जैसे लील, मार्सेई और बोर्डो। आज फ्रेंच हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क 2800 किलोमीटर लंबा है। देश के अंदर डेस्टिनेशंस कनेक्ट करने के साथ ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को भी कनेक्ट करता है यूरोपियन हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ जुड़ने से। इसकी ट्रेन यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली तक जाती हैं। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ट्रैफिक डिमांड प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन एक रूट को फाइनेंशियली वायबल होने के लिए और इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कमीशन के हिसाब से एक HSR लाइन तब जस्टिफाई होती है जब कम से कम 90 लाख पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करें साल में। टीजीवी की पहली लाइन ने 1.4 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी किया था पहले साल में। लाइन खुलने के 3 साल के अंदर ही पेरिस से लियोन के बीच एयर ट्रैवल 31% से गिर के हो गई सिर्फ 7% और हाई स्पीड रेल ट्रैवल 40% से जम कर गई 72% तक। यानी पेरिस से लियोन जाने के लिए पैसेंजर 72% टाइम्स टीजीवी से जाते हैं। तब से अब तक फ्लाइट्स काफी चीप हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये लाइन प्रॉफिटेबल रही है। आज दुनिया की 19 कंट्रीज में हाई स्पीड रेलवे लाइंस मौजूद हैं, टोटल 59,000 किलोमीटर से ज्यादा। चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है 42,000 किलोमीटर के साथ। सेकंड नंबर पर स्पेन आता है 4,000 किलोमीटर, फिर फ्रांस और जापान आते हैं 2,800 और 2,700 किलोमीटर के साथ। इंडिया काफी कुछ सीख सकता है इन कंट्री से HSR बनाने और ऑपरेट करने के बारे में। पहला तो कि बुलेट ट्रेन बनने से एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस और फ्रेट कॉरिडोर में कैपेसिटी खुल जाएगी, जिससे पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन रूट्स में नॉर्मल ट्रेन्स बंद कर दी जाए जो बुलेट ट्रेन सर्व करती हैं, जैसा कुछ कंट्रीज में किया गया है। इससे वो पैसेंजर्स जो हाई स्पीड रेल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास से ट्रेन का ऑप्शन भी गया, उनको फिर बसेस से ट्रैवल करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। हाई स्पीड रेल से एयरपोर्ट्स भी फ्री हो जाएंगे कुछ हद तक, जिससे एयरलाइंस शॉर्ट हॉल के बजाय लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पर ध्यान दे सकती है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आज 7% पर एनम से ग्रो कर रही है, तो जितनी शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स को हम बुलेट ट्रेन से पूरा कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने से बेहतर है ज्यादा रेलवे स्टेशंस बनाना। इसके अलावा किसी भी पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उससे भी बड़ी सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों के लिए। उसके बेनिफिट्स इकोनॉमी पे इतने ज्यादा होते हैं कि उसको प्रॉफिट लॉस से नहीं गिना जा सकता। मगर जो कंस्ट्रक्शन में लोन लिया गया है उसको तो पे करना होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि टिकट प्राइसेस कितने रखें और किस रूट में ट्रेन बनाया जाए कि लोन भी पूरा हो जाए और पैसेंजर्स पर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। इसके अलावा जापान शिंकानसेन से बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड और ऑन टाइम परफॉर्मेंस सीख सकते हैं हम इंडियन बुलेट ट्रेन के लिए। पिछले 50 सालों में एक भी मौत नहीं हुई शिंकानसेन में, जबकि वो ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर पर चलती हैं रेगुलरली। हाई स्पीड रेल को एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में हम कन्वेंशनल रेल सिस्टम, मेट्रोज और दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ इसे हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, अगर आप मेरा बनाया हुआ मुंबई ट्रांजिट मैप या इंडियन हिस्ट्री का चार्ट खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं ऐसे ही डिजिटल मैप्स और चार्ट्स हर महीने रिलीज करता हूँ। इन्हें रेगुलरली पाने के लिए चैनल का मेंबर बने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पुरानी डिजिटल फाइल्स भी मिलेंगी उसमें। इससे आप चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। धन्यवाद। भाई इसमें कोई शक नहीं कि लोग जब देखते हैं कि एक सस्ती और अच्छी जो है सुविधा मिली है तो बहुत सारे लोग जो है उसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो है ना रेलवे जो है वो एक ऐसी मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी है जिसने जो है ना बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ जो है ना चाहते हुए भी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है। इनके ऐसे लोग जो भाई बाई प्लेन जाना चाहते हैं, समटाइम्स वो बाई ट्रेन पर भी जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है और जो सर्विसेज हैं, जिस तरीके से इवन के फेयर की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कन्वीनियंट है लोगों के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इससे जो वाकई में आपका जो एयरबेस हैं और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर बर्डन जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा और आपको एक अच्छा मॉडर्न स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। मैं तो ये हैरान हो रही थी कि लाइक दुनिया के बाकी देशों में देखो कि लाइक 60s में काम जो है वो उन लोगों ने कर लिए हुए हैं जो अब आकर हमारे इस रीजन में हो रहे हैं। सो ये वाकई में एक हैरत की बात है। लेकिन मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से जापान जो है वो देखो एक तरह से अगर आप अपनी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो सेल कर रहे हैं। लाइक अगर हम जापान की बात करें कि वो इतना डेवलप हो चुका हुआ है कि मुझे लगता है कि अब उसका एक शायद सेचुरेशन पॉइंट जो है वो आ चुका है, क्योंकि एक छोटी कंट्री भी है, ग्रो करने के उतने ज़्यादा अब चांसेस उनमें हाँ क्या लेकिन देखें ना आप ये बात कहें 1960s में उसने ये ट्रेन बनाई और 2023 में जो है कि नो डाउट और भी बहुत सारे कंट्रीज ने जो है वो इसमें अचीवमेंट हासिल किए हैं, लेकिन वो अब दूसरे कंट्रीज को सेल कर रहा है। लेकिन आप ये देखें ना जब अगर वो ये सेल कर रहा है वो एक नई टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम करना जो शुरू हो चुका हुआ है। एग्जैक्टली ये कह रही हूँ कि वो भी अपने रिसोर्सेज बना रहा है, अपने लिए ऑप्शंस बना रहा है कि वो किस तरीके से अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट अच्छे तरीके से और कर सकता है। अभी देखो जिस तरीके से प्रॉपर प्लान वो इंडिया को दे रहा है, ऑल्दो वो कोऑर्डिनेट मतलब कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर प्लान देना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो उनके कुछ पार्ट जो हैं वो आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हुए नजर आएंगे, असेंबल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मे बी आपको मैन्युफैक्चर होते हुए भी नजर आएंगे। ये तो देखे ना अब जैसे इंडिया में भी बन रही है तो नो डाउट अभी तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेंगे तो आने वाले टाइम में नो डाउट इंडिया जो है वो खुद भी जो है मैन्युफैक्चर करेगा क्योंकि नए रूट्स खुलेंगे, नए रूट्स बनेंगे। तो उसमें जो क्योंकि अभी जो पहला रूट बन रहा है बेसिकली वो आप कह लेंगे इस तरह का होता है कि आप अपनी लेबर और अपने इंजीनियर्स को जो है ना एक्सपीरियंस दिलवा रहे होते हैं कि भाई आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करें और जो है ना नेक्स्ट आप जो है ये चीज़ें खुद जो है बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने लोगों को उसमें जो है ना कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। अभी नो डाउट भाई जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, चाइना अगर आपको देखा जाए क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको रेल नेटवर्क जो है बुलेट ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का आपको जो है वो चाइना में जो है वो देखने को मिलता है। तो भाई ये जो चीज़ें होती हैं ना आपकी इकोनॉमी एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि अगर देखें ये इलेक्ट्रिक है, बिजली से चलेगी, ऑन दी अदर साइड जब एयरप्लेन्स हैं उनका जो है वो कम होता है बर्डन, तो वो सीधी सी बात है भाई आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो है ना भाई जहाँ तक डिले की बात है ना तो मैं ये चीज़ खुद भी पढ़ रहा था एक दफ़ा कि अगर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना ट्रेन कुछ सेकंड्स के हिसाब से, हमारे यहाँ पे तो भाई घंटों के हिसाब से डिले होते हैं तो लोग कहते हैं चलो खैर है, वहाँ पे कुछ सेकंड्स के हिसाब से भी डिले हो जाए ना तो वो माजरत करते हैं कस्टमर से, हाँ जी, कि आपको जो है इंतज़ार करना पड़ा। अच्छा बट एक चीज़ मैंने डिफरेंस देखा है, हालांकि स्पेन की भी बीच में दिखाई थी उन्होंने पिक्चर, लेकिन जापान की ज़्यादा खूबसूरत लगी है बुलेट ट्रेन क्योंकि अगर क्योंकि वो जापान की जो है वो एक प्रॉपर बुलेट ट्रेन है, लेकिन अगर वो स्पेन की बात करें तो नो डाउट वो भी एक बुलेट ट्रेन है लेकिन वो हाई स्पीड जो है उसमें कंसीडर की जाएगी जो 200 प्लस पे जा रही है। जापान देखे वो 300 प्लस पे जा रहा है। नहीं तो उन्होंने बाद में बोला कि स्पेन ने भी अपनी जो है वो स्पीड जो है वो अच्छी कर ली है, वो टाइम के साथ साथ। लेकिन मुझे वैसे मैं ये बात करी मुझे जापान की ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। और दूसरा देखो कितना अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया है कि मतलब पंक्चुअलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखा गया है। और अब देखो वो मज़ीद इनोवेशन लेकर आ रहे हैं इसमें कि जिस तरीके से मैगलेव की बात करें टेक्नोलॉजी की, मेरे लिए तो भाई बिल्कुल नया था क्योंकि अगर रेलवे सेक्टर की बात करें तो मौज़म को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता होता है। बट मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अभी जिस तरीके से वो एक नई जदीद हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें 500 समथिंग वो बोल रहे थे कि लाइक स्पीड इसकी होगी। तो मैं कहती हूँ कि किस रफ्तार से लाइक हम लोग जैसे यू नो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा था मुझे अब नाम भूल गया उसका, मतलब जो बिल्कुल एक यू नो जिसमें कुछ लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं जो कि इंडिया में हाइपरलूप। एग्जैक्टली मैं ये बात सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि लाइक हाइपरलूप एक तरफ अब हमें देखने को मिली। अब ये मैगलेव टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानने को मिल रहा है, आई मीन बहुत सारे लोगों को पता होगा बट यहाँ पर मुझे पता है, लेकिन ये कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं थी। और फिर उसके बाद तुम ये देखो अंडरग्राउंड आपको रेलवे स्टेशन मिल रहे हैं और वो भी एक स्टोरी नहीं 3 स्टोरी, और फिर उसके साथ साथ आपको टनल जो है वो इतनी बड़ी नजर आ रही है। और एग्जैक्टली मैं कहती हूँ क्या दृश्य रहा होगा। वैसे खैर पता नहीं वो कैसा होता होगा क्योंकि हम लोगों ने कभी ट्रैवल नहीं किया। ये तो जो लोग एक्सपीरियंस करेंगे वही जो है व्लॉग्स बनाकर जब डालेंगे तो तब जो है पता चलेगा। लेकिन जो है ना भाई देखें जैसे मैगलेव अगर रेलवे की बात की जाए तो भाई वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर उसकी कॉस्ट है, यानी कि $49 बिलियन जो है वो लगभग इतनी जो है उसकी कॉस्ट आ रही है। तो लेकिन उसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो अगर लाहौर से पिंडी तक की जो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ मात्र 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। सीरियसली इतनी स्पीड है उसकी। ओ माय गॉड, यानी कि 5 साढ़े 5 घंटे का जो रास्ता है वो आप 35 से 40 मिनट कवर कर जाएंगे। हमारे ट्रैक्स भी तो बड़े थक्कड़ है ना, ऊपर से हमारी गाड़ियां भी बहुत थक्कड़ हैं। यार मैं तो इमेजिन बस करेंगे, नहीं आप इमेजिन करें, नहीं आप इमेजिन करें आप 35 से 40 मिनट में एक जगह पहुंच गए। यार मुझे ऐसा लगेगा जादू हो गया, जादू हो गया। अब स्पीड कितनी होगी। और वैसे खैर ये तो एक बहुत वो सिचुएशन है क्योंकि भाई हमारी पूरी GDP का जो ना 14-15% बन जाता है, तो हम तो नहीं खैर स्पेंड कर सकते, लेकिन हाँ जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं। पर मैं ये बात सोचती हूँ इसीलिए तो वो लोग हमसे इतने आगे हैं यार, उनकी सोच और यू नो उनका लाइफस्टाइल और उनके जो एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ में जिंदगी गुजारने का तरीका, मतलब हमारी सोच तो उनके आसपास भी नहीं भटकती। यार देखें ना अब क्या नाम लेते हैं जैसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई, उनमें अगर ट्रेन 36 सेकेंड या 40 सेकेंड या लेट हो रही है उसकी वजह से उनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे यहाँ पे घंटों लेट हो जाती है, कहते खैर मैं यही बात सोच रही हूँ, हाँ पर घंटों लेट हो जाती है, हम कहते हैं आई नहीं अभी तक कुछ हम कर नहीं पाते। और आधे घंटे में इमेजिन आप इतनी आपकी जर्नी कवर हो जाए। ओ माय गॉड मुझे सीरियसली ऐसे लग रहा है कि मैं अगर मेरे साथ कभी ऐसा होना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ना कोई जादू मतलब सही वो डोरेमोन का दरवाजा खुल गया। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगेगा। एनीवे गाइस लोगों की ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी, काफी डिटेल और डीप नॉलेज जो है वो आज देखने को मिला और काफी कुछ नया भी जानने को मिला। आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसी साथ मिला।